ओडिशा ट्रेन हादसे पर एबीपी न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने दिया बयान, जनता ने गोदी मीडिया को ही घेर लिया। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन एक्सीडेंट के बाद गैस टॉर्च और इलेक्ट्रिक कटर के साथ बचाव कर्मियों ने रात भर जीवित बचे लोगों और तीन ट्रेनों के टूटे हुए डिब्बों में से मृतकों को बाहर निकालने का काम किया, जो एक के ऊपर एक भयानक क्रम में पटरी से उतर गए। हादसे में कम से 233 लोगों की मौत हो गई और 900 से अधिक घायल हो गए। वहीं इस बीच एबीपी न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते जनता ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। जनता का कहना है कि मीडिया को सरकार से सवाल करना चाहिए कि जनता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जिसका नुकसान इतने बड़े लेवल पर हो गया है। एबीपी न्यूज एंकर ने ट्रेन हादसे पर कहा, ये इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं। कवच किसने भेदा, टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई, 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल, तीन ट्रेनें एक ही हादसे का शिकार हो जाए, ये कैसे संभव है। इस घड़ी में मरने वालों के परिवार के साथ पूरा देश है। संजय कुमार नाम के एक शख्स ने एंकर से कहा, रूबिका लियाकत जी, इसमें केवल रेलवे की गलती नहीं है, इसमें आप जैसे पत्रकारों की भी गलती है जो सरकार की जय जयकार में ही लगे रहते हो। कभी पूछा कितने पद खाली है रेलवे में। आशीष नाम के एक शख्स ने लिखा, मैडम जी, कवच इस रूट पर लगा ही नहीं है। रेलवे पिछले 9 वर्षों में कुल 68,043 किलोमीटर रेलवे लाइन में से 1,445 किलोमीटर पर जो मात्र 2% है, उन पर ही कथित कवच लगा पाया है। ये सवाल आपकी बजाय हमें पूछना और बताना पड़ता है। एमके गौतम नाम के एक यूजर ने रूबिका लियाकत के सवाल पर कहा, मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी कैसे फेल हुई। अभी चुनाव नजदीक आने वाला है और बीजेपी की हालत खराब है। अब बस एक ही जरिया बचा है, किसी भी क्षेत्र में घटना करवाओ और उस पर रोना रोकर जनता को बरगलाओ और उनकी सहानुभूति को पाओ। एक और यूजर ने रूबिका लियाकत के बयान पर सुधीर चौधरी का वीडियो पोस्ट करके कहा, गोदी मीडिया के एंकरी मोदी सरकार के बचाव में ओडिशा ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी उसमें बैठी जनता पर डाल दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जैसे सुधीर तिहाड़ी ने गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 150 लोगों की मौत की जिम्मेदारी पुल पर चढ़ी जनता पर ही डाल दिया था। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन एक्सीडेंट मामले में एंकर रूबिका लियाकत के इन सवालों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर हम आप तक पहुंचाते रहें।